हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक्स, जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताए थे। आज कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला टॉपिक बीसीडी कोड पर डिस्कस करेंगे। बीसीडी कोड यानी बाइनरी डेसिमल कोड। आइए देखते हैं बाइनरी डेसिमल कोड क्या होता है। तो बाइनरी डेसिमल कोड इज बेस्ड ऑन आइडिया कन्वर्टिंग ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी इक्विवेलेंट। कहने का मतलब बाइनरी डेसिमल कोड एक प्रकार का आधार होता है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को जो भी डिजिट से देते हैं वो क्या होता है, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। चाहे हमने 1 दिया हो, चाहे 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, तो जो कंप्यूटर सिस्टम यूजर के द्वारा जो भी इनपुट लेता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही लेता है और उसको वो क्या करता है, अपने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है। तो क्लास 9th में आपको डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था, जिसमें आप जानते हैं कि जो हमारा डेसिमल डिजिट अगर 0 है तो बाइनरी डिजिट जो होगा वो भी 0 होगा। अगर डेसिमल डिजिट 1 है तो बाइनरी डिजिट जो है 0001 होगा, और अगर डेसिमल डिजिट हमारा 2 है तो बाइनरी डिजिट जो होगा वो 0010 होगा। अगर डेसिमल डिजिट हमारा 3 है तो बाइनरी डिजिट जो होगा वो 0011 होगा, और अगर डेसिमल डिजिट 4 है तो बाइनरी डिजिट जो होगा वो 0100 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर बाइनरी डेसिमल डिजिट जो है हमारा 5 है तो बाइनरी डिजिट जो होगा वो 0101 होगा। हम क्या करते हैं कि ये आपका डेसिमल जो है, डेसिमल डिजिट जो है बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से जो भी कैरेक्टर हम देते हैं कंप्यूटर को, क्या होता है, कैरेक्टर जो है कंप्यूटर एब्जॉर्ब करता है डेसिमल डिजिट में, लेकिन जब आउटपुट देना होता है उस पर प्रोसेस करता है बाइनरी डिजिट में। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, 42 दिया हुआ है, 42 आपका डेसिमल डिजिट नंबर है। अगर इसको हमको क्या करना है कि बाइनरी डिजिट नंबर में जो है कन्वर्ट करना है, 42 डेसिमल डिजिट नंबर है, इसको हमको बाइनरी डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम बाइनरी डिजिट नंबर में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका एक 4 हुआ और दूसरा 2 हुआ, तो सबसे पहले हम 4 का जो है बाइनरी डिजिट नंबर लिखते हैं 0100, उसके बाद फिर 2 का हम बाइनरी डिजिट नंबर लिखेंगे 0010, उसके बाद दोनों को क्या करते हैं एक साथ ऐड कर देते हैं। जब एक साथ ऐड करते हैं तो ये आपका 42 जो आपका डेसिमल डिजिट नंबर है ये आपका बाइनरी डिजिट नंबर में 0100 फिर 0010, ये आपका बाइनरी डिजिट नंबर में हो गया। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर क्या करता है कि जो डेसिमल डिजिट नंबर होता है, जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको क्या करता है कि ये बाइनरी डिजिट नंबर में जो है कन्वर्ट करता है, और इसके बाद इसमें प्रोसेस करके आउटपुट हमारा देता है। इसके बाद करेक्ट रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है ईबीसीडी आईसी कोड, जिसे हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड इंटरचेंज कोड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ईबीसीडी आईसी कोड जो होते हैं इनका यूज जो होता है एडमिट कैरेक्टर के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जो बीसीडी कोड होता था उसमें 6 बिट कोड का यूज किया जाता था, जिसमें हर कैरेक्टर का जो है कन्वर्सेशन नहीं हो पाता था, कन्वर्जन नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी एडमिट का कैरेक्टर कोड का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है 256 ऐसे कैरेक्टर होते हैं, 256 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनका कन्वर्जन जो है आसानी पूर्वक किया जा सकता है। अब
इसमें जैसे मान लीजिए ईबीसीडी आईसी कोड है, ये क्या होता है हेक्सेमल हेक्साडेसिमल। जैसे बीसीडी कोड में हमने बताया था कि ये क्या होता है डेसिमल कोड को जो है बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या होता है डेसिमल कोड जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है ये हेक्साडेसिमल में ले जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कुछ जोन होते हैं और कुछ डिजिट होते हैं, तो जोन और डिजिट को मिला करके क्या होता है कि हेक्साडेसिमल कोड आपका तैयार होता है, यानी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर का जो जो होगा वो 1100 होगा। 1100 मतलब सी होता है हेक्साडेसिमल में, और उसके बाद इसमें जो डिजिट्स होगी बाइनरी डिजिट्स जो होती है वो 0001 होती है, और दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जब करते हैं तो क्या होता है C1 आ जाता है। इसी प्रकार से बी कैरेक्टर का अगर ईबीसीडी आईसी कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है तो जोन जो होगा वो 1100 होगा, और उसके बाद जो डिजिट्स होंगे वो 0010 होंगे, और इनका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो आपका C2 होगा। तो ये क्या होते हैं कि हर कैरेक्टर जो होते हैं आठवें बिट के बाद इनका जोन जो होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे 1100 जोन जो है ए कैरेक्टर का है, लेकिन आठ कैरेक्टर बाद यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे जब करेंगे तो क्या होगा कि इनका जोन जो होता है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। जो जोन चेंज हो जाएगा कहने का मतलब अगर हम जे पर जाते हैं तो जे पर जाने के लिए इनका जोन जो होगा वो 1101 हो जाएगा। इसी प्रकार हर आठवें कैरेक्टर के बाद इनका जोन बदलता रहता है। और एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी तक हमने कैरेक्टर लिया था, अब हम न्यूमेरिक नंबर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम जीरो ले रहे हैं तो जीरो का अब देखिए जोन 1111 है, और मान लीजिए जीरो कोई संख्या नहीं है न्यूमेरिक नंबर में, इसलिए इनका बाइनरी डिजिट्स जो है 0000 होगी, और इनका 1111 यानी 14 जाएगा यहां पर। उसी प्रकार से वन का ले रहा है, अगर वन का ले रहा है तो ये आपका भी जोन 1111 जो जोन होगा ये 1111 होगा, और इनका जो डिजिट्स होगा वो 0001 होगा, और ये आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है या कौन बता रहा है। तो मान लीजिए वन का अगर हम ले रहे हैं तो वन का 1111 और इनका जो डिजिट्स होगा जोन जो वन का जोन जो होगा वो 1111 होगा, और उसके बाद डिजिट्स जो होगा बाइनरी डिजिट्स की अगर बात करते हैं तो 0001 होगा, और अगर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा तो F1 होगा। तो इसी प्रकार से हम किसी भी कैरेक्टर को अगर ईबीसीडी कोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसी प्रकार से क्या कन्वर्जन होता है। तो ये क्या होते हैं जो भी डेसिमल डिजिट्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका है ASCII कोड, यानी इसको ASCII कोड बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होते हैं कि जो SI कोड होते हैं ASCII कोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ASCII 7 और दूसरा होता है ASCII 8। जो ASCII 7 होता है ये क्या होता है 7 बिट कोड होता है, जबकि ASCII 8 जो होता है वो 8 बिट कोड होता है, यानी जो बिटों की संख्या रहेगी उसमें क्या रहेगा एक में 7 रहेगा और दूसरे में 8 होता है। जैसे हम मान लीजिए किसी करेक्टर को हमको क्या करना है ASCII कोड में जो कन्वर्जन होता है, तो ASCII कोड में कन्वर्जन इस प्रकार से होता है, जैसे 1 है तो 1 का जो जोन होगा वो आपका 0011 होगा, और डिजिट्स जो होंगी वो आपकी 0001 होंगी। उसी प्रकार 2 का लेते हैं, 2 का क्या होगा 0011 होगा जोन, और जो डिजिट्स होंगी वो 0010 होंगी। इसी प्रकार ए का अगर लेते हैं तो 0100 जोन आपका क्या हुआ
यहाँ देखिए न्यूमेरिक था और यहाँ क्या है कैरेक्टर्स हैं, तो न्यूमेरिक और कैरेक्टर्स के बीच में क्या हुए जोन जो है चेंज हो गए और जो डिजिट्स नंबर होंगे वो क्या होते हैं सेम होते हैं, यानी 0001 और बी का जो है 0100 जोन है और 0010 जो है डिजिट्स हैं। आज के टॉपिक में आपने देखा कि किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके कौन कौन से कोड जो है किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, और आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है, यानी बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन और बाइनरी डिवीजन। तो कल के वीडियो में हम बाइनरी अरिथमेटिक यानी बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन और बाइनरी डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।